हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए अभी अभी दो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं। दो बड़े अपडेट देने वाला हूँ मैं। पहली बड़ी अपडेट है पेंशनर्स के बोनस को लेकर के, यानी क्या पेंशनर्स को भी बोनस मिलेगा। 11 रुपये तक की बात हो रही है। साथ ही साथ आपका जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है उस पर भी दोनों को मिलाकर दो मैं बड़ी अपडेट आप सभी के लिए देने वाला हूँ। और अगर चैनल में पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको बार बार उस पर सब्सक्राइब नहीं करना होता है, वो फिर से अनसब्सक्राइब हो जाता है। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा सब्सक्राइब करने के बाद में, तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। बेसिकली बहुत सारे मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं और कई सारे यूट्यूब चैनल्स में भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि सरकार जो है पेंशनर्स को भी 11,000 रुपये तक का बोनस दे सकता है। तो मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल र्यूमर्स है। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल सर्कुलर या ऑफिस मेमोरेंडम नहीं जारी किया गया है जिनसे क्लियर हो सके कि कर्मचारियों के बाद में पेंशनर्स को भी जो है बोनस उनको प्रोवाइड कराया जाएगा, क्योंकि बोनस सिर्फ जो है एग्जिस्टिंग या सर्विंग एम्प्लॉइज़ हैं उन्हीं को प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये खबर बिल्कुल की पूरी तरह र्यूमर्स है। इसमें कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं दूसरी, जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस हैं। हाँ, तो दोस्तों फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस में एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूँ। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस के आप सभी को पता है कि ऐसे पेंशनर्स जो नॉन CGHS एरियाज़ में रहते हैं, यहाँ पर यानी कि यहाँ पर CGHS के हॉस्पिटल्स नहीं हैं, वेलनेस सेंटर नहीं है या CGHS के यूनिट्स नहीं हैं, वहाँ पर ऐसे पेंशनर्स को जो है 1,000 रुपये तक उनको प्रोवाइड किया जाता है उनके OPD मेडिसिन के खर्चे को लेकर के। तो ऐसे में पेंशनर्स की हमेशा सरकार से रिक्वेस्ट रही है कि जो OPD मेडिसिन का खर्च है वो 1,000 रुपये बहुत कम होता है। ऐसे में उन्होंने कई बार सरकार से रिक्वेस्ट भी की थी। तो अब उसी में एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि इसके रिगार्डिंग जो है एक बड़ी मीटिंग हुई थी जिसमें पेंशनर्स को के जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस है उससे रिलेटेड उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर को मैटर दिया गया था, जिसमें मैटर अंडर कंसिडरेशन है। तो बहुत जल्द इसमें भी कुछ जल्द बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस 3,000 रुपये तक पहुँच सकता है। तो आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपके हिसाब से फिक्स्ड मेडिकल अलाउंसेस कितना होना चाहिए जिससे OPD मेडिसिन का खर्चा आप सभी का निकल पाए। कमेंट जरूर करिएगा। आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और शेयर जितना हो सके शेयर करिएगा। ऐसे न्यूज़